जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल पे पढ़ा होगा कि अगर 2019 में अपनी सेहत ठीक रखनी है तो 2018 की इन गलतियों को मत दोहराइएगा। सेहतमंद ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कभी कभी अपनी चंद गलतियों की वजह से हम अपनी सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। आइए आज आपसे शेयर करते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आपने भी ये गलतियां 2018 में की हैं तो कोशिश कीजिए अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइए कि 2019 में इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, अगर आप या आपका कोई जानने वाला स्मोकिंग करता है तो ज़रा ये वीडियो देखिए। दूसरी बड़ी मिस्टेक है हमारे आराम का वक्त। आजकल हर दूसरे शख्स की रूटीन बन गई है कि वो रात को देर तक जागता है और सुबह देर तक सोता है। याद रखिए, रात आराम के लिए और दिन काम के लिए होता है। अगर आप भी रात को देर तक जागते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्चर्स ने भी साबित किया है कि दिन की रोशनी, धूप, सुबह की हवा, ये सब आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली तीसरी बड़ी गलती है मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। कोशिश कीजिए मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अपनी ज़िंदगी ना बनाइए। चौथी बड़ी मिस्टेक है कि हमारे खाने के वक्त की रूटीन। हम अक्सर देर से नाश्ता करते, देर से दोपहर का खाना और सोते वक्त रात का खाना खाते हैं। ये चीज़ हमारी सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कोशिश कीजिए अच्छा नाश्ता कीजिए, वक्त पे नाश्ता कीजिए और रात का खाना सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाइए। आप सेहतमंद और तवाना रहेंगे। नाज़रीन, ये थी वो कुछ मिस्टेक्स जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं और अपनी सेहत को तबाह करते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपने भी 2018 में इन मिस्टेक्स को किया है तो 2019 में अपनी रेजोल्यूशन बनाइए कि इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखकर अपनी राय ज़रूर दिलाएं, शेयर भी करें, न्यूज़ चैनल सब सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।